अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वी आर डूइंग अ वीडियो ऑन अ टॉपिक दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड सो मच के बनानी पड़ी वीडियो। तो मैंने रिसेंटली जो है अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग सबसे पहले कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, जिसमें से PCOS took the winning votes, but आज की वीडियो इज नॉट अबाउट PCOS बिकॉज आई हैव टू डू दैट विद समवन एंड वो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को बनाऊंगी एंड आई अपलोड इट ओवर द वीकेंड। उसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ओन PCOS जर्नी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट PCOS myths जो अक्सर लोग बिलीव करते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टफ जो हमारे अपने डॉक्टर्स गलत हमें प्रिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट वीडियो। आज की वीडियो इज़ ऑन लेज़र हेयर रिमूवल। ठीक है, लेज़र हेयर रिमूवल को आजकल बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली हुई है। अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इट डन, अ लॉट ऑफ पीपल आर यू नो पेइंग बिग अमाउंट्स फॉर इट एंड इट इज़ प्रॉमिसिंग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी और आप लोगों को करके भी दिखाऊँगी, प्रोडक्ट भी रिव्यू करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जो है आई वॉन्ट टू क्लियर आउट अ फ्यू थिंग्स बिफोर गेटिंग होम IPL, विच इज़ द लेज़र डिवाइस जो मैं घर पर यूज़ करती हूँ। मैंने प्रोफेशनल लेज़र सेशंस भी करवाए थे बिफोर आई गॉट मैरिड। तो सम टाइम अराउंड अक्टूबर लास्ट ईयर आई स्टार्टेड गेटिंग माई फुल बॉडी हेयर लेज़र रिमूवल सेशंस डन। मैंने 3D लाइफस्टाइल है कराची में, वहाँ से कराए थे द क्लिफ्टन दो तलवार ब्रांच। ठीक है, मैं किसी और ब्रांच के लिए नहीं बोल सकती, दे हैव मल्टीपल ब्रांचेज, दे हैव फ्रेंचाइजेज और हर ब्रांच में जो है डिफरेंट स्टाफ है, डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ बैड रिव्यूज़ अबाउट देम एज वेल, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ देयर डॉक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नीशियंस एंड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अक्टूबर लास्ट ईयर में मैंने सेशंस कराना शुरू किए थे एंड दिस इंक्लूडेड एवरीथिंग। इसमें फेस, फुल बॉडी, बिकिनी, बैक, सब कुछ इंक्लूडेड था, अंडर आर्म्स, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। फुल बॉडी मीन्स लाइक लिटरली इवन योर फिंगर्स। तो मैंने 6 सेशंस कराए थे फुल बॉडी लेज़र के, जिसके लिए मैंने उस टाइम कोई 95,000 रुपीज़ दिए थे फॉर ऑल 6, नॉट पर सेशन, विच वॉज वेरी 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 अफोर्डेबल। बिकॉज उससे पहले मैं डॉक्टर तस्नीम नाखुदा का एक क्लिनिक है जमजमा में, आई थिंक लेज़र सॉफ्ट के नाम से, वहाँ से करा रही थी पहले एंड आई वॉज पेइंग अराउंड 12,000 ओनली फॉर माई फेस। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे, ड्रास्टिक चेंज देखा, बहुत मेरी हेयर ग्रोथ कम हो गई, मेरे बाल पतले हो गए, बालों का इंटरवेल लंबा हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहती हूँ, दो नो वन, आई रिपीट, नो वन कैन प्रोमिस यू परमानेंट हेयर रिमूवल। ठीक है, परमानेंट हेयर रिमूवल कोई चीज़ नहीं होती है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, बाल उगेंगे वो उगेंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। यस, लेज़र से, IPL से, इन सारी ये जो भी आई हुई आजकल, याग हो गया, आइस हो गया, सुप्रानो हो गया, जो भी डिफरेंट लेज़र्स हो गए, उनसे क्या होता है कि आपके बालों हेयर फ्री इंटरवेल जो होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो लेट्स जैसे मैंने आज लेज़र कराया, आज मैंने वैक्स कराई है और नॉर्मली मेरे वैक्स कराने के बाद बाल जो हैं वो 15 दिन में वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट हैपन्स विद लेज़र इज़ दैट आपके एक हेयर रिमूवल सेशन और दूसरे हेयर रिमूवल सेशन में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का गैप आ जाता है। मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनका 8 मंथ्स का भी गैप आया, 9 मंथ्स का भी गैप आया। खैर, मैंने 6 सेशन कराए। पहले सेशन जो थे मेरे वो 15-15 दिन के डिफरेंस से थे, आई थिंक 3, उसके बाद जो है महीने महीने, एंड आई थिंक लास्ट 2 सेशन जो है वो मैंने 3-3, 4-4 महीने के गैप से कराए थे बिकॉज मेरे बाल नहीं आ रहे थे। सबसे आखिरी वाला जो मेरा 6th सेशन था वो मैंने इस्लामाबाद आके कराया था, किसी एफ सेक्टर में उनकी ब्रांच थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी थी, वो भी ठीक थी, वहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। फिर उसके बाद आई वॉज जस्ट नॉट रेडी टू पे सच अ हेफ्टी अमाउंट अगेन एंड उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई थी कंपेयर टू व्हाट आई पेड, तो मैंने होम IPL ले लिया। तो यू गाइज मस्ट हैव हर्ड ऑफ फिलिप्स लूमिया, इट इज़ अ घर की लेज़र मशीन विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रोफेशनल लेज़र और उसमें आपको ज़रा ज़्यादा सेशंस चाहिए होते हैं, बट पर्सनली मैं अभी तक 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो पहले सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बारे में, हाउ इट वर्क्स, क्या क्या उसके साथ अटैचमेंट्स मिलती हैं, प्राइस क्या है, एंड लेट्स गो ओवर एवरीथिंग। दिस इज़ द फिलिप्स लूमिया डिवाइस, ये ऐसा लगता है। ठीक है,
इसका मॉडल नंबर BR900 लिप्स लूमिया BRI955, ठीक है ना। इसमें आई थिंक कुछ और भी वेरिएंट्स आते हैं, बट दिस इज़ द वन आई हैव। ये कॉर्डलेस वाला है और कॉर्ड के साथ भी यूज़ हो जाता है, सो इफ़ इट्स फुली चार्ज यू कैन इवन यूज़ इट विदाउट अ कॉर्ड। तो मुझे जो है पर्सनली ये बहुत ज़्यादा कॉर्डलेस होना वॉज अ वेरी बिग प्लस फॉर मी, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, इट्स वेरी हैंडी, लाइक इतना कोई भारी, बिल्कुल भी भारी नहीं है, ठीक है। इसके साथ तीन अटैचमेंट्स आती हैं, सो इफ़ यू सी दिस, ये जो है ये निकल आता है, ठीक है। और इसके साथ दो और अटैचमेंट्स हैं, सो थ्री इन टोटल, ठीक है। दीज आर द थ्री अटैचमेंट्स। एक जो है वो बिकिनी होती है, विच इज़ फॉर योर अंडर आर्म्स एंड योर बिकिनी एरिया। एक जो है आपके फेस के लिए होती है, एंड वन इज़ फॉर अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो आप जो है इसके साथ, इसकी अटैचमेंट जो है वो बहुत आसान है, ये फेस वाली है, ये आराम से बस यूं जाके क्लिप हो जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन्स, ये पावर ऑन बटन है, ठीक है। ये इसकी इंटेंसिटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इंटेंसिटी है, इसके कितना स्ट्रॉन्ग लेज़र आएगा। ये इंटेंसिटी चेंज करने के लिए आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ऑप्शन देख रहे हैं वो आप अपनी स्किन पे रखते हैं, एंड इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि आपके लिए कौन सी इंटेंसिटी सूटेबल है। तो आप या तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली जब सेट कर लेंगे तो यू जस्ट प्रेस द टिक और वो उस पर इंटेंसिटी जो है वो सेट हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो कम्स विद अ ट्रैवल पाउच, ठीक है। सो ये हो गई प्रोडक्ट डिटेल्स। ये मैंने अपनी बहन से मंगवाया था फ्रॉम UK, अमेजोन से मैंने लिया था। दिस कॉस्ट मी अराउंड 90,000 या 85,000 टू 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़, अगर मैं पाउंड वाला कन्वर्जन करूँ। बट इस बात को भी आई थिंक कोई 5-6 महीने हो गए हैं, तो पाउंड भी तब से महंगा हो गया, सो आई डोंट नो। आई हैव सीन इट एट सम लोकल पेजेस ओवर हेयर जो कि 1.5 लाख का, 160 का, 130 का, 140 का बेचते हैं, मुझे नाम नहीं याद है। यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड आउट कि ये कौन से पेजेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू एक्चुअली यूजिंग द प्रोडक्ट। बीच में मैं जो हूँ कुछ मिथ्स भी क्लियर करूँगी इसके बारे में, जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है हम फेस से शुरू करते हैं। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं इज़ शेविंग योर फेस, जिसको आजकल डर्मा प्लेनिंग भी बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो फेस शेव करते हैं हम लोग अपना, उससे सारे बाल उतारते हैं, फिर लेज़र करते हैं, बिकॉज यू शुडंट हैव एनी हेयर ऑन योर फेस बिफोर यू on anywhere before you actually start doing the laser, because it has to target जो अंदर के बाल हैं। बाहर बाल होगा तो अंदर का बाल टारगेट नहीं होगा, उस पर लेज़र नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फेस से शुरू करूँगी, आपको बाजू पर भी करके दिखाऊँगी, हर चीज़ करके दिखाऊँगी। आई एम गोना स्टार्ट बाई शेविंग माई फेस। शेव करने के लिए जो है सबसे पहले मैं मिथ क्लियर कर दूँ, आई हैव बिन शेविंग माई फेस वे बिफोर आई गॉट लेज़र, और मुझे PCOS है, मुझे बहुत बुरा हिरसूटिज़म या फेशियल हेयर का इशू था, मेरे बहुत मोटे मोटे बाल आते थे मुंह पे, चिन पे, हर जगह काले डार्क, एंड लेज़र रियली हेल्प विद दैट। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हार्डली आते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि शेव करने से मेरे और मोटे बाल आ जाएं, ये ग्रोथ बढ़ जाए, इट हैज़ बिन द सेम, जैसे बाल पहले आ रहे थे वैसे ही आते हैं, नो चेंजेस देयर, ठीक है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ, एंड दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन व्हेन आई टॉक अबाउट शेविंग योर फेस। तो नाउ लेट्स एक्चुअली गेट टू शेविंग द फेस पार्ट। सबसे पहले जो है मेरे मुंह पे सनब्लॉक लगा हुआ है, तो मैं जाऊंगी और मैं मुंह धो के आऊंगी अच्छे से बिल्कुल, कि कुछ भी प्रोडक्ट, कोई ग्रीस, कुछ भी ना हो मुंह पे। सो आई एम गोइंग टू वॉश माय फेस एंड आई एम गोइंग टू बी बैक। ओके सो गाइस, मुंह मैं धो चुकी हूँ। अब बिफोर आई एक्चुअली गो टू शेविंग माई फेस, सबसे पहले जो है हम एक फेशियल ऑयल अप्लाई करेंगे। आप कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास अभी रोज़ हिप सीड ऑयल ही है, तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। स्पेसिफिकेशंस, आप कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी का रोज़ हिप सीड ऑयल है, ये मैं लगाऊंगी। पर्पज़ ऑयल लगाने का ये है ताकि जो रेज़र है वो आराम से ग्लाइड हो आपके मुँह पर और आपको कोई कट्स ना पड़े। तो ऑयल लग चुका है हमारे मुँह पर। नाउ आई हैव दीज फेशियल रेज़र्स, ये जो हैं ये मेरे फेशियल रेज़र्स हैं, दीज आर बाय फ्लेमिंगो। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डू नॉट लाइक टिंकल रेज़र्स, मैंने जब भी यूज़ किया है ऑलवेज एंडेड अप विद कट्स।
और जो लोकली बनते हैं वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. आई रियली रियली लाइक्ड द फेशियल रेजर्स बाय मिनीसो, बट वो अब मुझे मिलते नहीं, या तो डिसकंटिन्यू हो गए, आई डोंट नो व्हाट. ये रेजर्स जो है, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, इट्स कॉल्ड स्किन स्टोर पाकिस्तान, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी, वहाँ से मैंने लिए थे एंड दे आर अमेजिंग. तो खैर, लेट्स गेट इनटू इट. आप अपनी स्किन जो है थोड़ी सी यूं पकड़ेंगे ऊपर, एंड दिस रेजर शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी एट अ 45 डिग्री एंगल एंड देन यू गोना गो इन एंड यू गोना स्टार्ट शेविंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. ठीक है, सो ये हमारा फेस जो है वो शेव हो चुका है. अब जो है मैं जो बाल मेरे मुंह पे लगे हुए हैं वो वाइप कर लूँगी. थोड़ी सी रेडनेस जो आप मेरे मुंह पे देख सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट लुक एट हाउ फ्लॉलेस एंड लाइक साफ माई स्किन लुक्स. लॉट ऑफ पीपल आस्क के वट इज़ डर्मा प्लेनिंग और इसके क्या फ़ायदे हैं. अपार्ट फ्राम बाल उतारना आपके, अपार्ट फ्राम फेशियल हेयर रिमूवल, शेविंग योर फेस, या डर्मा प्लेनिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. नॉट जस्ट हेयर, बट वो एक पूरी डेड स्किन की लेयर आपकी उतार देते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, योर स्किन लुक्स वेरी प्लम्प, आपका जो फाउंडेशन है वो इतना एफर्टलेसली लगता है, आपके सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं आपकी स्किन में. तो आई डेफिनेटली फील लाइक इट्स something worth trying. And a lot of people जो हैं वो नहीं comfortable होते करते हुए, but if you are and if you feel like it's something that you need, then definitely go for it because it is life changing. Like इसके बाद जो आपका makeup आपके मुँह पर जिस तरीके से लगता है ना, it's amazing. And the next day your skin feels so much plump, so much better. I'm a big fan of Dermaplane. मुँह पर जो थोड़ी सी redness हो रही है उसके लिए मैं थोड़ा सा soothing mist लगा लूँगी. ये La Roche-Posay का thermal spring water है, but you can just use rose water or any toning soothing mist that you have. I'm just going to leave this hair for a while और मैं इसको dry करूँ ताकि मेरी थोड़ी सी redness कम हो जाए, and then I'm going to go on to the laser. अच्छा guys, so I just thought कि जब तक हमारा मुँह का ये सूख रहा है, मैं आपको बाजुओं का करके दिखा देती हूँ. सो बाजुओं के लिए आई एम गोइंग टू शेव विद द जिलेट वीनस के रेजर्स. ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी आपको बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द बेसिक्स. सो दिस इज़ वट माई बाजुओं की ग्रोथ लुक्स लाइक एट द मोमेंट. दिस इज़ आई थिंक अराउंड 8 months वर्थ ऑफ ग्रोथ. घर पर जो है मैं जब IPL करती हूँ तो मैं मुँह पे, अंडर आर्म्स में, बिकिनी पे, इन सारी जगहों पर तो कर लेती हूँ, बट बाजुओं और टांगों के लेके मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा सर्फेस एरिया है कि उसमें इतना टाइम लगता है. तो अभी तक मैंने IPL जो है अपने हाथों पर और टांगों पर नहीं यूज़ किया है. आई हैव ओनली यूज इट ऑन माई फेस, इन माई अंडर आर्म्स एंड इन माई बिकिनी एरिया, nowhere else. But today is going to be the first time. And ये जो भी मेरे hair growth कम हुई है वो professional laser से ही हुई है. तो चलें बाजुओं का शुरू करते हैं. Okay, so ये this is what the razor looks like. और मुझे ये razor इसलिए इतना पसंद है because इसमें जो है ये जो soft वाला part है, this really prevents cuts. और इसके लिए मुझे additional कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसी में से जो है ना थोड़ा सा आप इसको जैसे गीला करते हैं ना, इसमें से थोड़ा सा सोपी सा मटेरियल रिलीज़ होता है और उसी से आराम से शेव हो जाती है. इट डज़ नॉट नीड एनी एडिशनल शेविंग फोम और शेविंग जेल. तो आई एम टू लेज़ी टू गो टू द बाथरूम, इसी से मैं उसको गीला करती हूँ. दिस इज़ आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सोपी सा हो गया. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. ये मेरा बाजू शेव हो गया है. लेट्स जस्ट होप कि वीडियो के बाद आई एम नॉट टू लेज़ी टू डू द अदर वन.
बहुत ही अजीब सा लगेगा, एक बाल पे एक बाजू पे बाल होंगे और एक बाजू पे नहीं होंगे. तो यू कैन सी दिस इज़ कम्प्लीटली डन और इतनी पीछे से जो है स्मूद है बिल्कुल स्किन, नो कट्स नो नथिंग. दिस इज़ वाई आई लव दिस रेजर. तो चलें अब लेज़र स्टार्ट करते हैं. लेज़र रेज़र वेरी कन्फ्यूजिंग. इसमें अटैचमेंट लगाएंगे बॉडी वाली, मैंने पहले फेस वाली लगाई हुई थी. जस्ट गोना टेक दिस आउट पुट दिस इन. ठीक है, ये हो गया. नाउ गोना टर्न दिस ऑन. आप इसको जैसे ही ऑन करते हैं इसमें से बहुत ही एक लाउड आवाज़ आती है. ठीक है, मैं इसका स्मार्ट सेंसर यूज़ करूँगी. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू प्रेस दिस मैग्नीफाइंग ग्लास, यू प्लेस इट ऑन योर स्किन. सो इट्स टेलिंग मी फोर, यू कैन सी फोर ब्लिंक कर रहा है. यू जस्ट प्रेस द टिक और वो इंटेंसिटी सेट हो गई. नाउ आप इसको हाथ पे यूँ रखेंगे एंड यू कैन सी ये जो लाइट है ना ये वाइट हो गई है. सो यू जस्ट प्रेस दिस लिटल लाइक ये जो बुलेट टाइप है यहाँ पे और ये हो गया. ठीक है, इट टेक्स अबाउट हाफ अ सेकेंड एंड देन यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट शॉट. ये इस तरह से जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके अपनी पूरी जो भी आप एरिया है कवर्ड एरिया उस पर आपने कर लेना है एंड यू आर डन. इट्स वेरी इजी, इसमें दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, एटलीस्ट मुझे नहीं होता. यस बिकिनी एरिया क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव है वहाँ पे थोड़ा दर्द होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 5 इंटेंसिटी पे करती हूँ और कहीं भी जो है दर्द नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक समवन इज स्लाइटली पिंचिंग यू, बट दर्द और अनकम्फर्टेबलनेस ये बिल्कुल भी नहीं होती. यू कैन जस्ट सेट द इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू यू. अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है आप उसकी इंटेंसिटी कम कर दें, इट डज़ नॉट हर्ट एट ऑल. तो इट्स दैट सिंपल. अब मेरा फेस जो है वो सूख चुका है बाजू पे, आई विल कम बैक लेटर बिकॉज इट्स ऑब्वियसली गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मैं फेस आप लोगों को करके दिखा देती हूँ. ये मैंने फेस की अटैचमेंट लगा ली, इसको ऑन कर दिया, इसको सर्च दबाया, मुंह पे रखा एंड इसने मुझे 5 इंटेंसिटी बताई. तो आई विल गो विद 5. तो ये देखिए आइडियली नहीं बट आपको लेज़र में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए. इधर क्लोज योर आइज व्हेन इट फ्लैशेस या लुक अवे. एक बर्निंग सी स्मेल आती है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल. वो आपका जो बाल है अंदर उसके जलने की स्मेल आती है. आपकी लेज़र जो है करने के 2 से 3 दिन बाद आपके बाल जो अंदर के होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो बहुत आराम से निकल जाते हैं. तो अगर आप स्क्रब करें दे विल ऑल कम ऑफ. दोज आर द बर्नड हेयर फ्रॉम इनसाइड. एक ही एरिया पे रिपीटेडली जा के बार बार ना करें लेज़र, जस्ट 1 or 2 टाइम्स इन 1 पैच इज़ इनफ. अच्छा, और जहाँ पे बाल वो डिटेक्ट नहीं करेगा वहाँ पे ये वाइट नहीं होगी लाइट. सो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया. और अगर ये लाइट रेड हो जाती है, जो कुछ एरियाज़ पे हो जाती है, नॉर्मली बिकिनी एरिया के कुछ पॉइंट्स पे होती है, दैट मीन्स कि स्किन जो है आपकी वहाँ की इट्स टू डार्क फॉर द लेज़र. तो वहाँ पे लेज़र नहीं होता. तो खैर गाइस, आई विल फिनिश द रेस्ट ऑफ दिस ऑफ कैमरा. मेरा पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को बताना था कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो मुझसे लोग पूछते हैं लेज़र के बारे में. नंबर 1, आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं. ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर. मुझे भी जितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और मुझे भी जितनी इन्फॉर्मेशन है डर्मा प्लेनिंग के बारे में, शेविंग योर फेस के बारे में, ये सारी दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई हैव स्टडीड ऑन माई ओन. ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता. बट येस, जब मैं प्रोफेशनल लेज़र कराने जाती थी तो मुझसे टेक्नीशियन हमेशा पूछती थी आर यू एक्सपेक्टिंग, आर यू प्रेगनेंट, एंड शी टोल्ड मी कि हम लोग प्रेगनेंट औरतों पे लेज़र नहीं करते. सो इट्स बेस्ट कि अगर आप प्रेगनेंट हैं या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं या क्या कहते हैं आपको कोई स्किन कंडीशन है या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप अपने पहले फिजिशियन से पूछ लें एंड देन गो अहेड विद दिस. अदरवाइज इट इज़ जनरली सेफ. एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि आप जब बिकिनी एरिया में लेज़र करते हैं तो डज़ इट अफेक्ट योर फर्टिलिटी इन एनी वे, इज़ दैट हार्मफुल फॉर यू इन एनी वे. तो नो इट्स नॉट. ऐसी कोई रिसर्च नहीं है दैट हैज़ प्रूवन एनी थिंग ऑफ द सॉर्ट. आई हैव रेड मल्टीपल रिसर्च ऑन दिस. अनदर क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज़ कि क्या इसकी रेज हैं, लेज़र हैं, कैन दे बी कैंसरस
in any way, can they be harmful in any way, can they be dangerous in any way. So yes, इस पर भी मैंने रिसर्च बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, दे आर नॉट हार्मफुल एंड दे आर कम्प्लीटली सेफ. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हैं, फील फ्री टू ड्रॉप दैम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू एज मैनी एज आई कैन. मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ कि जितने कॉमेंट्स पर रिप्लाई कर सकूँ उतना ज़्यादा रिप्लाई करूँ. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. आई नो कि बहुत सारे लोग ये देखना चाह रहे थे, और मैं जब भी लेज़र की कोई स्टोरी लगाती थी या बात करती थी या कहीं नज़र आता था तो मुझे एंडलेस सवाल आते थे, तो दिस वॉज द बेस्ट वे टू कवर इट ऑल. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, विच इज़ गोइंग टू बी पी सी यू एस इंशाल्लाह. It is very exciting because I have invited a guest who can speak a lot about that specific topic as well, and we are going to do the video together. So see you guys over the weekend, inshallah. Allah Hafiz.